नमस्कार दोस्तों, आप सबको वालसी अपडेट पर और एक नया और एक मजेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के अंदर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के बीच कंपेयर करके देखते हैं इस दोनों एयरक्राफ्ट में क्या अच्छाई है और क्या कमी है, इसी के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ इस दोनों एयरक्राफ्ट का क्या रोल है भारतीय नौसेना के अंदर, वो भी हम जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा 100 सब्सक्राइब पूरी तरीके से कम्प्लीट कर दिया और इसी तरीके से प्यार को बनाए रखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में क्या अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक प्रकार की एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों को भारत की नौसेना के अंदर पूरी तरीके से शामिल किया गया है और भारत की नौसेना के अंदर पूरी तरीके से सेवा भी प्रदान कर रहा है। जहां पर आईएनएस विक्रमादित्य को यूएसएसआर के टाइम पर बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं पर आईएनएस विक्रांत एक नया और इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की कुछ बेसिक सी जानकारी के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों एक टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको स्की जंप सिस्टम में बनाया गया है और जिसके अंदर 36 से 40 के बीच एयरक्राफ्ट को आसानी से ऑपरेट और कैरी किया जा सकता है। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य की बात करते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को ब्लैक सी शिपयार्ड यूएसएसआर में इसको बनाया गया है और इसको भारत के अंदर लॉन्च 2008 में किया गया है और इसको कमीशन किया गया है 2013 में और इनकी डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। तो इसी के साथ आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत की पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको बिल्ड किया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने और इसको लॉन्च किया है 2013 में और भारतीय नौसेना के अंदर इनको कमीशन किया गया है 2022 में। आईएनएस विक्रांत की डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है और इस दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में जो अंतर देखने को मिलता है, जहां पर विक्रमादित्य को यूएसएसआर के टाइम पर मतलब किसी बाहर की देश में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वही पर आईएनएस विक्रांत भारत की पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की लेंथ की बात करते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की जहां पर लेंथ 284 मीटर है, तो वही पर इनकी जो चौड़ाई 61 मीटर है और इनकी हाइट 60 मीटर है। तो वही पर आईएनएस विक्रांत की बात किया जाए, आईएनएस विक्रांत की जो लंबाई है 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है, तो वही पर इनकी जो हाइट 59 मीटर है। तो इसमें जो कमियां लगी है, आईएनएस विक्रमादित्य थोड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वही पर आईएनएस विक्रांत थोड़ा सा इससे छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन दोनों में एक बराबर काम करने का क्षमता है। इसी के साथ आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की इंजन की बात करते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य के अंदर 8 टर्बो अल्टरनेटर के साथ 6 डीजल अल्टरनेटर का इंजन इस्तेमाल किया गया है और जिसकी स्पीड 30 के नॉट जो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा सकती है। तो वही पर इनकी जो रेंज है 25,000 किलोमीटर है। और इसी के साथ आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं। आईएनएस विक्रांत के अंदर 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM 2500GS टारबाइन का इंजन इस्तेमाल किया गया है जिसकी पावर 88 मेगावाट है और इनकी स्पीड 30 के नॉट है और इनकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर है। इस दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में जो रेंज की जो डिफरेंस है वो 10,000 किलोमीटर है और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में 10,000 किलोमीटर का जो डिफरेंस देखने को मिला है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे कमियां लगी है। इसी के साथ आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की क्रू की बात करते हैं, मतलब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए कितना क्रू की जरूरत होती है। सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य के अंदर 110 ऑफिसर के साथ 1,500 सेलर्स रहती है और इनकी आर्मामेंट के अंदर बैराक 1 बैराक 8 मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। तो वही पर आईएनएस विक्रांत की बात किया जाए, आईएनएस विक्रांत के अंदर 196 ऑफिसर के साथ 1449 सेलर्स की जरूरत होती है और इसमें जो आर्मामेंट की इस्तेमाल किया गया है, इसमें बैराक 8 मिसाइल के साथ साथ 76 mm का ड्यूएल पर्पस कैनन्स को भी इस्तेमाल किया गया है और इसी के साथ AK-630 mm का गन्स को भी इस्तेमाल किया गया है। तो वही पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में देखा जाए, इनकी जो ऑफिसर और सेलर्स का जो बीच अंतर देखने को मिलता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो वही पर आर्मामेंट की बात करें, जहाँ पर आर्मामेंट के अंदर एक बराबर ही सब कुछ दिया है, लेकिन आईएनएस विक्रांत के अंदर जहाँ पर 76 mm का ड्यूएल पर्पस कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वही पर विक्रमादित्य के अंदर इस प्रकार के कोई भी गन्स को इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कितनी एयरक्राफ्ट को कैरी किया जाता है। सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 36 फाइटर जेट को इस्तेमाल कर सकता है जिसमें
26 MiG-29K के साथ 10 कमब के A-31 हेलीकॉप्टर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर INS विक्रांत के अंदर 36 फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें MiG-29K के साथ साथ राफेल M भी है, और इसमें कमब के A-31 हेलीकॉप्टर के साथ MH-60R और HL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ सबसे लास्ट में इनकी कॉस्ट की बात करते हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की जो कॉस्ट है वो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर INS विक्रमादित्य की कॉस्ट $2.35 बिलियन है, तो वहीं पर INS विक्रांत की कॉस्ट $3.2 बिलियन है, जो भारत की रुपया में देखा जाए तो 23,000 करोड़ रुपये है। तो इसकी जो कॉस्ट के अंदर जो अंतर देखने को मिला है, INS विक्रांत के अंदर जहां पर $3.2 बिलियन जो 23,000 करोड़ रुपये है, तो वहीं पर INS विक्रमादित्य के अंदर $2.3 बिलियन है। तो ये था INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के बीच कंपेयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।